अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन एच सी एफ इन स्क्वायर रूट एक्सरसाइज है 5.12, क्वेश्चन नंबर है 3। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को एक बार इसी तरह से उतारना है स्टेपिंग के लिए, और इसके बाद आपने क्या करना है, 3 + 6x + 12x² इसी तरह से आया अपॉन, अब यहाँ पे 3 है तो 3 - x फिलहाल इसी तरह से लिखते हैं, मल्टीप्लाई, अब 1 - 2x है, ठीक है, तो ये भी इसी तरह से आएगा, और नीचे से फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 1³ - 2x³, ठीक है, फिर माइनस, अब यहाँ पर देखें तो 1 + 6x² इसी तरह से आएगा, फिर 1 - 5x + 6x² इसी तरह से, मल्टीप्लाई बाय 1 - 5x + 6² इसी तरह से अपॉन 1 + 6x, ठीक है। अब यहाँ पर 3 को लिया हमने कॉमन, तो अंदर आ गया 3 × 1 = 3 + 3 × 2 = 6x + 3 के टेबल में 12 आता है 4 पे 4x², ठीक है, अपॉन 3 को कॉमन लिया तो अंदर आ गया 1 - x, मल्टीप्लाई 1 - 2x, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा नीचे, तो ये हो गया 1 - 2x, और 1 + 2x + 4x², ठीक है, तो ये रहा ब्रैकेट, और इसके बाद माइनस, अब यहाँ पर ये आपस में कैंसिल हो गए, अब ये इससे कैंसिल, तो सिर्फ क्या रह गया 1 + 6x, ठीक है। अब यहाँ पर 3 से कैंसिल, 1 - 2x 1 - 2x से कैंसिल हो गया, और साथ ही यहाँ पर ये भी सेम है तो ये भी कट गए, तो हमारे पास क्या रह गया 1 / 1 - x, फिर माइनस 1 + 6x, तो नीचे कुछ नहीं है, डैट मीन्स के 1 है, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे आ गया 1 - x, तो फिर यहाँ पर आया 1, देन बीच में माइनस, और फिर 1 + 6 है, तो इसे हमने 1 + 6x, तो इसे मल्टीप्लाई करना है हमने 1 - x से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 - 1 - x + 6x - 6x² आपस में से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और फिर ये हो गया 1 - x। अब 1 बाहर माइनस अंदर की साइंस मल्टीप्लाई होंगी, तो 1 - - + x - + - 6x - - + 6x² अपॉन 1 - x, ठीक है। अब जो कट सकते हैं उन्हें आपस में काटेंगे, तो 1 से कैंसिल, तो पहले आ गया 6x², फिर यहाँ पर आ गया माइनस का 5x, ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व किया तो, और फिर नीचे आ गया 1 - x आंसर। तो इस सवाल में एक मिस्टेक थी, वो ये थी कि क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ था डिवाइड, ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसे मल्टीप्लाई में चेंज किया है, क्योंकि अगर हम डिवाइड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आंसर वो नहीं आएगा जो बुक में दिया हुआ है, तो आंसर और क्वेश्चन दोनों में मिस्टेक है, तो हमने यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई में चेंज किया इसे, तो हमारा आंसर ये आएगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको हेल्पफुल लगी होगी, मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, और साथ ही अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स से शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।